हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर क्लास वन से लेके ट्वेल्थ तक की क्लासेस के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। क्लास टू से लेके और ट्वेल्थ तक के लिए डिपेंड करता है स्कूल के अंदर वैकेंसीज है या नहीं है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के 1239 केंद्रीय विद्यालय में क्लास वन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है और कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पे जाना है, kvsangathan.nic.in। ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इसी पे यहाँ देखेंगे क्लिक हेयर फॉर KVS ऑनलाइन एडमिशन। एक बार फिर देखिए, यहाँ पे आपका एक स्लाइडिंग में एक टेक्स्ट मूव कर रहा है आपका मार्कअप के अंदर, क्लिक हेयर फॉर KVS ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक। इस पर आप क्लिक करिए, यह आपसे पूछेगा, रिडायरेक्ट करवाएगा, ओके कर दीजिए। या फिर जैसा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल का लिंक है kvsonlineadmission.kvs.gov.in। इस पर आप जाके यहाँ से आप अपने बच्चों के लिए क्लास वन का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करें उससे पहले यहाँ पे आप देखिए इंस्ट्रक्शंस है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। मैं वन बाय वन कुछ डिस्कस करूँगा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो। यहाँ पे आपका प्रोफॉर्मा डॉक्यूमेंट सैंपल, आप इस पर क्लिक करके आपको ये डॉक्यूमेंट्स की जहाँ अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरीके का परफॉर्मा आपके सामने आएगा जिसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे आपको फिल करना है इस परफॉर्मा को, कोड आपको यहाँ पे लिखना है, देन इसके बाद कितने किलोमीटर पे आपका स्कूल पड़ता है आपके घर से वो आपको यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेशन सबमिशन कोड क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, अगर आप सर्विस में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आपको ये वाला परफॉर्मा डाउनलोड करना है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं तो उसके लिए ये वाला परफॉर्मा डाउनलोड करना है। अगर आपके यहाँ सिंगल गर्ल के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्लास वन के अंदर, ओब्वियसली सीट कुछ रिजर्व रहती है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करेंगे। देन डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का है। ये सारे के सारे परफॉर्मा मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। ये आपका परफॉर्मा है सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसको आप फिल करेंगे। आप अपने ऑफिस से यहाँ पर क्या करवाएंगे, काउंटर साइन करवाएंगे तो ये आपका सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो जाएगा। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस सर्टिफिकेट हो जाएगा, सेम है, इसको भी फिल करके आप साइन करवाएंगे। ये आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड का एफिडेविट है जो आपको 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर नोटरी एफिडेविट करवाना है और इसको काउंटर साइन करवा के अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब यह है कि आपके एक ही बच्चा है, वो भी लड़की है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर उस बच्चे को एडमिशन के अंदर प्रायोरिटी दी जाती है, मीन्स उसके लिए सीट रिजर्व रहती है। ये आपका परफॉर्मा डाइन इन हार्नेस सर्टिफिकेट, ये उन पेरेंट्स के लिए जो डिफेंस में काम करते हैं और अगर वो ऑन ड्यूटी पे एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व रहती है। देन ये आपका परफॉर्मा है सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र, इसमें लास्ट 7 ईयर के ट्रांसफ़र्स की डिटेल मांगी है, ये आप फिल करेंगे, अपने ऑफिस से साइन करवाएंगे और आप सबमिट करेंगे इसको। ये तो थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको फिल करना है। इसके अलावा जो आपको मेन इंस्ट्रक्शंस पे मैं चलता हूँ, इंस्ट्रक्शंस में अगर हम बात करें तो आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास अपना एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ पेरेंट्स साइबर कैफ़े में जाके वहाँ पर एडमिशन आपका फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर भी आपको अपना ही ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर देना है। अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कम्युनिकेट किया जाता है तो आपको जो एडमिशन नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है उसी पे कम्युनिकेट कर किया जाएगा और आपको फिर बाद में पता नहीं चलता है अगर आपने साइबर कैफ़े वाले का दिया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है उनको आप JPG फाइल के अंदर और अपनी PDF फाइल के अंदर आप स्कैन कर
करके रखिएगा। उनकी मैक्सिमम जो साइज़ है वो 256 KB है, इट मीन जब स्कैन करेंगे तो उनकी साइज़ 256 KB से कम रखना है आपको। केवल फ़ोटो को आप अपना इमेज में रख सकते हैं JPG फॉर्मेट में। इसके अलावा आपका बच्चे का ब्लड सर्टिफिकेट हो गया, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फिर इसके अलावा SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके PDF फाइल के अंदर 256 KB से कम के अंदर आप उनको रखेंगे, क्योंकि ये अपलोड करवाएंगे। और जो अभी मैंने आपको प्रोपर फॉर्मा डॉक्यूमेंट सैंपल बताया था, उसमें से भी जो जो डॉक्यूमेंट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको तैयार करके यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। तो ये थी जनरल इंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको मल्टीपल फॉर्म सबमिट नहीं करना है, आपको केवल एक ही फॉर्म सबमिट करना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शुरू चलते हैं हम लोग, बाद में आप लोग इंस्ट्रक्शंस को और पढ़ सकते हैं। अब शुरू करते हैं, क्लिक हियर फॉर रजिस्टर, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस है, सारी चीज़ें आप लोग देखिए, और यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखा है, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे लिख रखा है कि आई हैव केयरफुली गो थ्रू ऑल द सेक्शंस एंड सब सेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव एंड आई शैल अबाइड बाई द टर्म्स एंड कंडीशन एज पर द KVS एडमिशन गाइडलाइंस। तो ये एक बार आप इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कोई खास है नहीं, उनको करने के बाद आप क्या कर दीजिएगा, प्रोसीड कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो भी एंट्री करेंगे वो आपकी इंग्लिश के अंदर होगी ओनली। फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पे आपको अपने बच्चे का फर्स्ट नेम डालना है। देन ये आपका मैंडेटरी फील्ड है, जहाँ पे भी एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है रेड कलर में आप देखेंगे तो ये आपका मैंडेटरी होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका मिडल नेम, अगर है तो आप फिल करिए, नहीं छोड़ दीजिए। लास्ट नेम है तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। देन इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल, यस और नो। अगर आप यहाँ पे हाँ करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको आगे अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आप नो करते हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ एज पर द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है। ध्यान रखिएगा क्लास वन के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम एज 5 ईयर है और मैक्सिमम एज आपकी 7 ईयर है। बच्चा अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको 2 ईयर का कंसेशन भी यहाँ पे मैक्सिमम ईयर के अंदर। अगर आप इसके अलावा मिनिमम और मैक्सिमम एज डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन इसके बाद यहाँ पे लिख रखा है इज द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन चाइल्ड और ग्रांड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, इट मीन्स ये उन बच्चों के लिए अप्लाई है जिनके पेरेंट्स या उनके दादा दादी जो भी है KVS में काम करते हैं। अगर नहीं करते तो आप नॉट अप्लीकेबल करिए। देन ईमेल एड्रेस आपका यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी पे आप कम्युनिकेट करेंगे और इसी पे आपका फॉर्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी। देन मोबाइल नंबर आपका ये भी वर्किंग होना चाहिए, इंडियन मोबाइल नंबर होना चाहिए, इस पर OTP आएगा। देन ये कैप्चा डालने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर पे। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है इनवैलिड कैप्चा, मैं वापस यहाँ पे वैलिड कैप्चा करता हूँ। जैसे मैंने वहाँ पे लॉगिन किया तो यहाँ पे कह रहा है एंटर OTP, मेरे जो मोबाइल नंबर मैंने डाला था उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और ये OTP आपका 15 मिनट तक वैलिड है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ OTP आया है क्या, अगर आया होगा तो मैं वो OTP आपको वेट करना है 15 मिनट तक, देन वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। मेरे पास OTP आ चुका है, मैं OTP एंटर करता हूँ। यहाँ पे मेरा OTP है 892449। देन इसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है, इनवैलिड कैप्चा। फिर जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट किया तो देखिए ये आपका आ गया, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा, योर लॉगिन कोड, ये लॉगिन कोड आपको याद रखना है इसका, अपने फ़ोन के अंदर फोटो खींच के रखिए। देन बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गया और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आई होगी। फर्दर लॉगिन के लिए और फर्दर एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन कोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आपका वैलिड मोबाइल नंबर ज़रूरी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं चलते हैं पोर्टल पे, क्लिक हियर पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करेंगे फॉर्म फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो अब यहाँ पे आपसे मांग रहा है लॉगिन कोड जो आपके मैसेज फ़ोन पे आया हुआ है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वो इन्फॉर्मेशन आप डालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन। तो मैं लॉगिन करता हूँ एक बार,
तो यहाँ पे आप लॉगिन कोड डालेंगे जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे आपने देखा है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है और ये मोबाइल नंबर और ये कैप्चा। आप डालने के बाद क्या कर दीजिए, लॉगिन। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके फॉर्म के अंदर 5 सेक्शन है, जिसके अंदर पहले सेक्शन के अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, सेकेंड के अंदर आपका पेरेंट डिटेल्स होगा, थर्ड के अंदर आपका चॉइस ऑफ स्कूल होगा, फोर्थ के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएंगे, एंड फिफ्थ के अंदर आपका डिक्लेरेशन जो होगा वो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, तो वन बाय वन इन सेक्शंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में बच्चे का नेम आपको दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में बच्चे का फर्स्ट नेम जो आपने ऑलरेडी फिल कर चुका है, लास्ट नेम भी आ चुका है, मिडल नेम भी आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ भी आ चुका है, फिर इसके बाद वेदर द चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड ये भी आ चुका है, और डिफरेंटली एबल मतलब वो भी आपने नो सेलेक्ट किया था। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, बच्चे का जेंडर मेल फीमेल आपका थर्ड जेंडर। देन इसके बाद यहाँ पे आपको फैमिली इनकम, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम, मतलब अगर आपकी BPL है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS है BPL है तो आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर आप EWS और BPL सेलेक्ट करते हैं तो आपसे वहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर आपसे पूछेंगे, सर्टिफिकेट किस डेट को इशू है वो पूछेंगे, किसने इशू किया है उसका नाम। देन उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछेंगे आपसे कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हैं। देन यहाँ पे आपका क्या है, ब्लड ग्रुप बच्चे का पूछेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, कैटेगरी जनरल सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी कैटेगरी है, एंड ब्लड ग्रुप आप ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव रहेगी, बाद में आप इसको वेरीफाई करके वो कर सकते हैं, या यहाँ से आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पर भी चले जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सेक्शन 2 पे आ चुके हैं, यहाँ पर पेरेंट डिटेल में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मदर और फादर के डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे विंडो पे, तो यहाँ पे आपको दो सेक्शन के अंदर डिटेल ले रहा है, इस तरफ आपके मदर की डिटेल ले रहा है और इस तरफ आपके फादर की डिटेल ले रहा है। ठीक है, तो ये आपको फिल करना है। यहाँ पे आप अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मैं वन बाय वन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टाइटल आपको सेलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेज और लेट। देन इसके बाद इधर मदर फादर का आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मदर का नेम आपको लेना है, देन नेशनलिटी लेना है, देन इसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस आपको लेना है, अगर दोनों का सेम है तो यस करना है, अगर अलग अलग है तो यहाँ पे नो करना है। देन कंट्री रेजिडेंस, स्टेट रेजिडेंस, सिटी ऑफ रेजिडेंस, आपका एड्रेस, पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। सिमिलरली यहाँ से आपके फादर की डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। देन इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है और किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ये फिल करने के बाद फिर आप नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, फिलहाल मैं इनको फिल कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान भी रखना है, अगर आप विदाउट फिल के नेक्स्ट सेक्शन पे जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज एक सेक्शन फिल कर लिया तो आप इसको सेव कर दीजिए, जैसे अभी प्रीवियस सेक्शन पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने उसको सेव कर दिया था, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेव रहेगी। तो जल्दी से मैं ये फिल कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखें यहाँ पे मैंने मदर डिटेल में मदर का टाइटल आप सेलेक्ट कर लीजिए, मिस और मिसेज जो भी आपको सेलेक्ट करना है। देन फुल नेम यहाँ पे टाइप कर दीजिए, नेशनलिटी टाइप कर दीजिए, ऐसे फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। देन यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंस, अगर आप यहाँ पे नो कर देते हैं तो यहाँ से एड्रेस आपका फादर का अलग हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे हाँ कर देते हैं तो ये कॉपी जो मदर के एड्रेस में आप फिल करेंगे सारा का सारा एड्रेस इधर कॉपी हो जाएगा। अगर सेम केस आप फादर के केस का अप्लाई करना चाह रहे तो फादर का जो एड्रेस फिल करेंगे वो एड्रेस इधर आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मदर का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने ये आ गया। देन इसके बाद इसमें एक चीज़ देखने, जहाँ पे भी एस्ट्रिक साइन दे रखा है वो फील्ड आपके मैंडेटरी है, आपको फिल ही करना है। देन ऑक्यूपेशन के अंदर मैंने देखी फादर का मदर का ऑक्यूपेशन लिख दिया, वर्किंग इन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंस लिख दिया, सिमिलरली फादर का मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग इन बैंक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया यहाँ पे SBI। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चों की मदर हाउस वाइफ है तो यहाँ पे हाउस वाइफ लिखेंगे, जो भी काम करते वो यहाँ पे आपको लिखना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फिल ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसेस टू नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे देखिए पेरेंट्स
पेरेंट डिटेल्स मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एप्लीकेशन में सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, चॉइस ऑफ स्कूल। चॉइस ऑफ स्कूल पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे एक फॉर्म में आप तीन स्कूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, विद्यालय वन, विद्यालय टू और विद्यालय थ्री। इट मीन्स आप एक फॉर्म से आपके बच्चे का तीन स्कूल के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के किसी स्कूल में फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद स्टेट स्कूल का नाम यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्कूल दिल्ली के अंदर डबल शिफ्ट में है तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल केंद्रीय विद्यालय नंबर टू डेलीकेंट फर्स्ट शिफ्ट, केंद्रीय विद्यालय नंबर टू डेलीकेंट सेकंड शिफ्ट। तो ये दो अलग अलग स्कूल है, स्कूल चलेगा एक ही स्कूल में बट फर्स्ट शिफ्ट के लिए आप अलग फिल कर सकते हैं और सेकंड शिफ्ट के लिए अलग। तो मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट किया तो ये विद्यालय वन की च्वाइस हो गई। यहाँ से आप मैप पे जाकर आप अपने स्कूल की लोकेशन देख सकते हैं। सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट च्वाइस ऑफ द विद्यालय। सेकेंड च्वाइस पे आप जाएंगे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया सेम दिल्ली मैंने सेलेक्ट किया। सेकेंड चॉइस में मैंने नंबर टू डेलीकेंट का सेकंड शिफ्ट ले लिया। तो यहाँ पे देखिए नंबर टू डेलीकेंट में फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड स्कूल में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज कर लीजिए फिर अगेन दिल्ली, और यहाँ पे नंबर वन फर्स्ट शिफ्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए हर स्कूल के अंदर आपसे पूछे जाएगा यहाँ पे कि डू यू नीड टू हेल्प फिलिंग द सर्विस प्रायोरिटी। अगर आप यहाँ करते तो ये, अदरवाइज आप यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैटेगरी में अगर आप देखेंगे कैटेगरी वन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे पेरेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, एक्स सर्विस मैन है और ट्रांसफरेबल जॉब में आता है। और यहाँ पे कैटेगरी टू पे जाएंगे, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी फोर जिसमें आप बिलोंग करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो अपनी कैटेगरी के अंदर फिल करेंगे। दूसरी चीज़ अगर मान लीजिए फादर और मदर दोनों वर्किंग है तो आपकी कैटेगरी आप देखिए जिसकी कैटेगरी टॉप होगी मीन्स वन टू थ्री फोर में जो पहले नंबर पे आएगा वो आप डालेगा। फॉर एग्जांपल किसी की मदर डिफेंस में काम करती है और फादर आपका काम करता है स्टेट गवर्नमेंट में तो आप मदर का डालिएगा यहाँ पर क्योंकि आपका बेनिफिट मदर के केस पर ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, यहाँ पर अगर आप हाँ करते तो यहाँ पर आपको देखिए पूरा बता देंगे। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लीजिए तो उससे भी आपका यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर है। तो फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से कैटेगरी वन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से पूछ रहा है माता या पिता की कैटेगरी है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मदर की कैटेगरी है, फादर की कैटेगरी। देन इसके बाद यदि चयनित माता पिता के पिछले 7 वर्षों में कोई ट्रांसफर हुए हैं यस करिए और उसको क्या कर दीजिए यहाँ पे आप डिटेल डालेंगे ट्रांसफर डिटेल। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर करके आप डाल दीजिए जितनी डिटेल से आपके 4 ट्रांसफर 3 ट्रांसफर जितने भी हुए। अगर नहीं हुए तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए नॉट अप्लीकेबल। देन इसके बाद आप नेक्स्ट स्कूल के अंदर आ जाइए। नेक्स्ट स्कूल में भी सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर भी आप नो कर दीजिए, यहाँ पर भी कैटेगरी वन सेलेक्ट कर दीजिए। देन इसके बाद यहाँ पर आप फादर कर दीजिए और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट स्कूल पे आ जाइए। नेक्स्ट स्कूल में भी आप सर्विस कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं वन, देन यहाँ पे मदर और यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल और नेक्स्ट। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है यहाँ पे स्कूल डिटेल्स को फिल कर दिया है। स्कूल डिटेल में एक बार फिर देखें यहाँ पे आप चलेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वन के अंदर ये आ गया आपका स्कूल की कैटेगरी और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। सिमिलरली नंबर टू डेलीकेंट के लिए इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, सिमिलरली इस स्कूल के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे अपने बच्चे के लिए एक फॉर्म में तीन स्कूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपने सेव एप्लीकेशन नेक्स्ट पे गए। यहाँ पे आने के बाद अब देखिए स्कूल चॉइस के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं तो आपसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। आप पीडीएफ में भी डाल सकते हैं और जेपीजी फाइल के अंदर भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। उसकी साइज आपको देखनी है 256 KB के अंदर होनी चाहिए तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, वो केवल JPG फॉर्मेट में होगा। देन इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। फिलहाल मैं यहाँ पे क्योंकि अब नेक्स्ट करूँगा तो वो फोटो मांगेगा यहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, मैं कुछ अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और बच्चे की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे। देन इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए और नेक्स्ट पे आप पहुँच जाइए। जैसे आप नेक्स्ट 5th पे जाते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन पूछ रहा है आपसे, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन में आप इसको टिक करिएगा और आप क्या कर दीजिए इसको सेव प्रीव्यू कर लीजिएगा। जैसे आप सेव प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएगा। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको दिखा देगा जो आपने फिल किया है। आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर कोई गलती कर रखी है आपने तो उस गलती को आप ठीक कर लीजिए। ठीक करने के बाद आप क्या करेंगे उस फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले।
और अगर कुछ एडिट करना है तो आप सेक्शन वाइज जाकर उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एडिट करने के बाद फाइनल आप क्या करेंगे, जब इस पे सबमिट करेंगे तो इसको टिक करेंगे आप जो भी अंडरटेकिंग है वो सारी चीज़ें, और आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको सेव प्रीव्यू, देन इसके बाद प्रीव्यू, देन प्रीव्यू देखने के बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे सबमिट अप्लीकेशन करिए। जैसे आप सबमिट अप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा जिसमें इन्होंने लिख रखा है कि आप मतलब अपना फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट योर अप्लीकेशन यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू इट। इफ़ यू वांट टू एडिट सम इन्फॉर्मेशन प्लीज़ नॉट सबमिट द फॉर्म नाउ। और इसके बाद इसमें आप बैक जाकर क्या कर सकते हैं, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जब आप इसको सबमिट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो जो रजिस्टर फ़ोन नंबर है उस पर OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पे डालेंगे, देन उसके बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, आपका फाइनल अप्लीकेशन सबमिट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। अब फाइनल अप्लीकेशन सबमिट होने के बाद देखिए, इसमें आपने देखा होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आपसे अपलोड करवाया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को क्या करना है, अगर प्रीवियस सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो जो स्कूल सिलेक्शन वाला जो आपका एरिया था उसमें आप जाइए, तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे आएंगे तो ये आपको उस टाइम पे आपको प्रोवाइड करना है रेजिडेंशियल प्रूफ, सर्विस सर्टिफिकेट। ये अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है एडमिशन के टाइम पे, तो यहाँ लिख रखा है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। प्रूफ सर्टिफिकेट बर्थ का जो आपके पास आपने अपलोड कर चुके हैं, पासपोर्ट साइज भी आपने अपलोड कर चुका है, रेजिडेंशियल प्रूफ भी, सर्विस सर्टिफिकेट और रिटायरमेंट एम्प्लॉय, और उसके बाद आपके पास ब्लड ग्रुप हो गया बच्चे का, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, आधार कार्ड हो गया, वो आपको उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एडमिशन के टाइम पे आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रिंट अप्लीकेशन पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए जो भी अप्लीकेशन आपने सबमिट किया है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद ही यहाँ पे अप्लीकेशन आपका प्रिंट होगा। यहाँ पे आपका चेक अप्लीकेशन स्टेटस है, तो इस पे जाकर आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे अवेलेबल है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो अपलोड करवाएगा फिजिकली हैंडीकैप, EWS, BPL के अंदर आप इसको करेंगे, या फिर आपका बच्चे का फोटोग्राफ आपको चाहिए और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपसे अपलोड करवाएंगे। इसके अलावा अगर आपका बच्चा फिजिकली एबल्ड है तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स स्कूल जब आपका खुलेगा उस टाइम पे आपको सबमिट कराना होगा। तो ये था क्लास वन के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको कुछ हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके पूछिए, और अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्लास वन में आप करवाइए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी कंप्लीट प्रोसेस का पता चले कि किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।